हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिर्ची वेब सीरीज। उल्लू ओरिजिनल्स का शायद काफी बढ़िया एक वेब सीरीज है। रघु के माँ बीमार थी और वो रघु को कही कि उसके शादी जल्द कर ले ताकि वो उसके बहू को देख सके। तो रघु ने भी राजी हो गई और रूपा के साथ उसका शादी हो गया था। रूपा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक लड़की थी और वो रघु के साथ शादी करके खुश भी थी। स्वागत के दिन उन दोनों ने अपने कमरे में थे और बहुत टाइम तक उन दोनों ने एक साथ अपने जीवन को उपभोग कर रहे थे। लेकिन उनके कमरे में एक छेद थे जहाँ से रघु के भाई इनकी शरद ने बहुत टाइम तक उन दोनों को देखता रहा और मन में मन और वो मौज लेता रहा। और इसके बारे में उन दोनों यानी कि रूपा और रघु को बिल्कुल ही भनक नहीं थी। अगले दिन सुबह जब रघु ने घर पे नहीं था तब शरद ने अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था और उसके भाभी यानी कि रूपा ने वहाँ पे गई और उसके देवर के साथ नोटी नोटी बातें करने लगी। और शरद ने हमेशा छुप छुप कर अपने भाभी के जिस्म को देखता रहा। कुछ टाइम बाद जब रूपा ने शरद को चाय के लिए पूछा तब शरद ने राजी हो गया एक साथ चाय पीने के लिए। तो रूपा ने किचन में चली गई थी चाय बनाने और शरद ने भी उसके पीछे पीछे गया और छुप छुप कर उसके भाभी को बहुत टाइम तक देखता रहा क्योंकि उसके भाभी ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन शरद ने उसे देख रहा है इसका भनक उसका नहीं थी। तो कुछ टाइम बाद उन दोनों ने एक साथ चाय पी और फिर रघु ने आ चुका था। रघु ने आके देखा कि उन दोनों ने चाय पी रहा है तो वो अपने बीवी के साथ समय बिताने के लिए वो अपने भाई यानी कि शरद को अपने कमरे में भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। और जब शरद ने चला गया तब वो अपने बीवी यानी कि रूपा के साथ बहुत टाइम तक उस किचन में ही एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगा। ये उल्लू ओरिजिनल्स का काफी बढ़िया वेब सीरीज है लेकिन इसका अगले एपिसोड में आप और भी ज्यादा बढ़िया चीजें देखने वाले हैं। वहाँ पे आप उस देवर यानी कि शरद और भाभी रूपा इन दोनों का कहानी देखने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से हर एक वेब सीरीज का अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल में वेब सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। धन्यवाद।